हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? इलेवेंथ क्लास क्या पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में? कुछ याद आ रहा है आपको, या सिर्फ वीडियो देख रहे हो और बस पेन कॉपी चल रहा है? कुछ जा रहा है अंदर? कुछ चीजें समझ आ रही हैं? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ नोट्स बनाओगे, तो सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता। नोट्स दुनिया में बहुत सारी हैं, हर एक अच्छे टीचर की नोट्स अवेलेबल है, लेकिन अगर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, तो आप ट्रिक को नहीं समझ पाओगे, आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाओगे। कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीज हमेशा समझनी होती है, और बेसिक चीज होती है पहले कॉन्सेप्ट समझो और फिर उससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। आपको ये चीजें पता है कि पैटर्न लगभग लगभग सेम होता है। जो पूरा क्वेश्चन पेपर आता है उसकी टफनेस लगभग लगभग सेम होती है प्रीवियस ईयर से। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोर्शन टफ आता है, कोई ना कोई पोर्शन इजी भी आता है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ें, रेगुलरली पढ़ें, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बात करते हैं। प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा था बच्चों कन्फॉर्मर के बारे में, क्या कर बारे में पढ़ा था? कन्फॉर्मर। और बहुत अच्छे से सीखा था कि कन्फॉर्मर को हम कैसे रिलेट कर रहे थे, कन्फॉर्मर को हम कैसे पहचान रहे थे, और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम समझ रहे थे। क्लियर बात समझ में आती है? जैसे यहां पर हमने पढ़ा था कुछ प्रोजेक्शन के बारे में, आपको याद आ रहा होगा। और प्रोजेक्शन में अपन ने पढ़ा था सबसे पहले 100 हॉर्स, क्या पढ़ा था? 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। देन पढ़ा था अपन ने, बताओ दूसरा क्या था? न्यू मैन प्रोजेक्शन, क्या था? न्यू मैन प्रोजेक्शन। फिर न्यू मैन में अपन ने बहुत सारे फॉर्म पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पढ़े थे, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का नाम क्या था बच्चों, ध्यान आ रहा है क्या आपको? यस, बताएं। स्टैगर्ड। फिर क्या पढ़ा था बच्चों? गॉच। फिर क्या पढ़ा था बच्चों? पार्शियली इक्लिप्स्ड। और फिर पढ़ा था अपन ने फुल्ली इक्लिप्स। इतनी बात समझ में आती है अपने को, ठीक है। चल फिर अपन ने इनके पार्ट्स को पढ़े थे, अपन ने इनके रिलेशन की बात की थी। तो रिलेशन क्या कहलाता है बच्चों? रिलेशन कहलाता है कन्फॉर्म। क्या कहलाता है? कन्फॉर्म। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए अब अपन ने पढ़ा था कि कैसे कैसे किसी भी कंपाउंड में कौन सी फॉर्म सबसे स्टेबल होती है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कुछ इस तरीके से होता था। और पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो जस्ट रिवर्स हो जाता था। इसके ग्राफ के बारे में अपन ने समझा था अच्छे से, और बहुत सारी स्टेबिलिटी समझी थी कि कब गॉच स्टेबल होता है और कब स्टैगर्ड स्टेबल होता है। स्टैगर्ड तब स्टेबल होता है बच्चों जब कभी भी रिपल्शन वाले ग्रुप लगे हो, तो रिपल्शन जब नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पर स्टेबिलिटी गेन करेंगे, सही बात है। अब बताओ अगर यहां पर रिपल्शन फैक्टर है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला, सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन फैक्टर है, तो रिपल्शन फैक्टर में सबसे स्टेबल कौन आएगा? स्टैगर्ड फॉर्म, फिर गॉच फॉर्म, फिर पार्शियल इक्लिप्स और फिर फुल्ली, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड भी कुछ ऐसे एटम्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस केसेस में सबसे स्टेबल होता था गॉच फॉर्म। आपको याद आ रहा होगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? एक ही कंपाउंड में, सेम कंपाउंड में हो रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर। क्लियर बात समझ में आती है? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉच फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, स्टैगर्ड इज लेस स्टेबल कंपेयर टू गॉच फॉर्म। क्लियर है? आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये रही प्रीवियस क्लास की बात जो अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिया, ठीक है। आज अपन कुछ नया पढ़ने वाले हैं, और वो नया फॉर्म क्या है हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स में वो पूछा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर वो चीजें पूछी जाती हैं। तो अपन जो पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों वो पढ़ रहे हैं कॉन्फिग्यूरेशन पार्ट, ठीक है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे थे?
कन्फॉर्मेशनल पार्ट, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कॉन्फिगरेशन पार्ट, अलग अलग चीजें देखेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। किसकी बात करने वाले हैं हम यहां पर? डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें बच्चों, तो मुझे बताओ साइक्लोहेक्सेन की डिफरेंट फॉर्म का क्या मतलब हुआ? क्या यहां पर एक साइक्लोहेक्सेन, आज तक हमने यही पढ़ा कि यही एक साइक्लोहेक्सेन होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसका नाम हेक्सेन रखा गया। साइक्लिक फॉर्म है इसलिए इसका नाम साइक्लोहेक्सेन रखा गया। लेकिन अब हम जो फॉर्म पढ़ने वाले हैं वो फॉर्म कुछ डिफरेंट है, इस साइक्लोहेक्सेन फॉर्म से कुछ डिफरेंट है। क्या है वो, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर क्या आता है बच्चों, सबसे पहले आता है चेयर फॉर्म। मैं आप सारे फॉर्म को डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको नाम बता देता हूं। देन आता है बच्चों बोट फॉर्म, ठीक है। देन आता है बच्चों हाफ चेयर फॉर्म, इस तरीके से हमारे पास यहां पर एक चौथा नाम आता है ट्विस्टेड बोट फॉर्म। ट्विस्टेड बोट का मतलब क्या हुआ, बोट को ट्विस्ट कर दिया, मोड़ दिया, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड बोट फॉर्म। इन चार फॉर्म्स के बारे में हमें यहां पर पढ़ाई करनी है, इन चार फॉर्म्स के बारे में हमें जानना है। तो मैं इन फॉर्म्स को एक बार बना देता हूं जिससे कि आप समझ जाए कि ये दिखते कैसे हैं, ये स्ट्रक्चर्स में कैसे दिखते हैं। इन सारी चीजों को मैं आपको एक बार यहां पर बताने वाला हूं। बात करते हैं चेयर फॉर्म की, तो चेयर फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ चेयर की तरह लग रहा है, जो बहुत अच्छी चेयर होती है, महंगी चेयर होती है, ठीक है, तो वह कुछ ऐसी होती है जहां पर बहुत सारा आराम मिलता है हमें, ठीक है ना। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड चेयर फॉर्म। अब आप ध्यान दीजिएगा, चेयर फॉर्म में पता चल गई, बोट फॉर्म की बात करें तो बोट कैसी दिखती है हम सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि बोट कैसी दिखती है। बोट कुछ इस तरीके से दिखती है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया बोट फॉर्म। क्या आप सारी फिगर्स को देख पा रहे हैं यहां पर, सारे अच्छे अच्छे फिगर्स यहां पर मैंने आपको ड्रॉ किए हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? ये जो फॉर्म्स हैं यहां पर कार्बन जो है वो कहां कहां है, क्या आप समझ पा रहे हैं कार्बन कहां है? ये जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूं यही यहां पर क्या है बच्चों, कार्बन है। ऐसे फॉर्म्स क्यों क्रिएट हुए? अगर आप सोचो, आपको मैं आपकी जिंदगी के बारे में बताऊं तो आप सोचोगे कि मेरे स्ट्रगलिंग कैरेक्टर में मैंने कितना स्ट्रगल किया है। जैसे आप कभी कुछ रहे होंगे, कभी आने वाले समय में कुछ और हो जाएंगे, आप वो क्यों बने, आप कुछ और क्यों बने, क्योंकि आपको लगा कि इस काम में ज्यादा स्टेबिलिटी है, इस काम में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, सब आराम है, इसलिए हमने उन सब चीजों को डिस्कस किया और हम उस जॉब को क्विट करके नेक्स्ट जॉब में चलेंगे, ठीक। ऐसे ही कंपाउंड क्या करता है, कंपाउंड के पास भी उसकी स्टेबिलिटी होती है, अलग अलग फॉर्म की, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेबिलिटी होती है। और उनकी स्टेबिलिटी किन पे डिपेंड करती है, उनके शेप पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, उनके शेप पे डिपेंड करती है, समझ रहे हैं? शेप इस तरीके से है, शेप इस टाइप से है, क्या डिफरेंट है, डिफरेंट है, बहुत सारी डिफरेंस है। कार्बन का जो रिपल्शन फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से मैनेज है और यहां कुछ इस तरीके से मैनेज है। कहां रिपल्शन फैक्टर ज्यादा है, कहां कम है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इन चीजों को नोट करें कि कैसे ये दिखते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड बोट की बात करें तो ट्विस्टेड बोट की हाफ चेयर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हाफ चेयर का मतलब क्या हुआ, चेयर को हाफ कर दो, चेयर को क्या कर दो, हाफ कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी, यहां पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं।
यहां पर ध्यान दें, चेयर फॉर्म की बात करें तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, बोर्ड फॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं हाफ चेयर की बात करता हूं तो हाफ चेयर फॉर्म का कुछ इस तरीके से होता है। बच्चों ध्यान दें, ये कुछ हाफ चेयर टाइप दिख रही है, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइक्लोहेक्सेन है, सब कुछ है। यहां पर नंबरिंग करें तो नंबरिंग करने पे क्या आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। अगर हम ट्विस्टेड बोर्ड की बात करें, ट्विस्टेड बोर्ड कुछ किस तरीके से दिखता है बच्चों ध्यान दें। अगर थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं इसको, कि ये कुछ इस तरीके से ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म यहां पर हमारे पास दिख रही होगी। क्लियर है? इस बोर्ड को हमने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो इन फिगर्स को बना लें यहां पर। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी के बारे में एक बार हम जान जाएंगे तो हमें सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा शेप क्यों आया। ठीक है, चलिए। तो आपने ये जाना कि कैसे हम चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म, इन सब चीजों के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे थे। क्लियर? अब हम समझेंगे कि कैसे यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसके ऑर्डर पे ये बनाया गया है, क्यों ये ऐसा हुआ है, इन सब चीजों के बारे में ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ध्यान दीजिएगा जरा, मैं एक फिगर को अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं तभी आप समझ पाएंगे कि ऐसा ऑर्डर क्यों आया, ऐसा ऑर्डर स्टेबिलिटी में क्यों आया, तभी आप सोच सकते हैं। क्लियर? तो देखिए जरा, अगर मैं इनके फिगर की बात करूं तो इनके फिगर की बात करें तो देखिए जरा, क्या यहां पर चेयर फॉर्म हमने जो ड्रॉ किया था यह क्या था, चेयर फॉर्म था। एक्चुअल में चेयर फॉर्म में अगर हम इन हाइड्रोजन को शो करें, कौन से हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ये जो हाइड्रोजन है यहां पर, ये हाइड्रोजन कैसे हो सकते थे, मे बी वेज पोजीशन पे, डैश पोजीशन पे, ऐसे हो सकते थे। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर कुछ अलग सा नाम होता है, एक नाम होता है एक्सियल पोजीशन और एक होता है बच्चों इक्विटोरियल पोजीशन, एक होता है एक्सियल पोजीशन और एक होता है बच्चों इक्विटोरियल पोजीशन। क्या होता है वो ध्यान देंगे जरा। एक्सियल का मतलब क्या हुआ, जो एग्जैक्टली कहां हो, एक्सिस पे हो, एक्सियल पे हो, एक राउंड में हो, इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सियल बॉन्ड। और ये जो हल्का सा बेंट होता है इसे हम बोलते हैं बच्चों इक्विटोरियल बॉन्ड। ये कैसे बने होते हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि इन बॉन्ड्स की वजह से क्या दिक्कत होती है। तो सोचिए इसी तरीके से बच्चों, कुछ यहां पर भी हो सकता है एक्सियल बॉन्ड बने हो, इक्विटोरियल बॉन्ड बने हो। ये कौन सा बॉन्ड है, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल हमेशा थोड़ा सा बेंट होगा और एक्सियल हमेशा एकदम स्ट्रेट होगा। ध्यान देना, एक्सियल ऑलवेज कैसा होगा, स्ट्रेट, और इक्विटोरियल कैसा होगा, हल्का सा बेंट। क्लियर है? तो ध्यान देना, एक्सियल और इक्विटोरियल की वजह से यहां पर जो हाइड्रोजन लगे हैं बच्चों, क्या इनके रिपल्शन फैक्टर की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर डिपेंड करेगी। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर बोर्ड फॉर्म की बात करूं तो बोर्ड फॉर्म में भी यहां पर कुछ इस तरीके से लगे होंगे। मैं कह सकता हूं यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा। क्या इन हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ अलग डिपेंड करेगी?
तो यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, यहां हम सिर्फ स्टेबिलिटी ऑर्डर कर रहे हैं ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन। यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आता है वो सबसे पहले आता है बच्चों चेयर फॉर्म, सबसे स्टेबल होता है चेयर फॉर्म, ध्यान रखेंगे आप यहां पर। फिर होता है बच्चों ट्विस्टेड बोट, ऐसा क्यों होता है ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ट्विस्टेड बोट और बोट की बात करूं तो क्या ये हाइड्रोजन जो है क्या ये आपस में रिपल्शन करेंगे और ज्यादा रिपल्शन करेंगे? अगर इसी को मैं ट्विस्ट कर दूं कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से ट्विस्ट कर दूं, क्या अब जो हाइड्रोजन है क्या अब वो एंटी पोजीशन पे हो चुके हैं, और ड्यू टू एंटी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोट फॉर्म और ट्विस्टेड बोट फॉर्म की बात करें तो ट्विस्टेड बोट में रिपल्शन कम होगा, बोट में रिपल्शन ज्यादा होगा। तो मुझे बताएं ट्विस्टेड बोट पहले आएगा और बोट बाद में आएगा, क्या क्लियर बात समझ में आई? तो सबसे स्टेबल फॉर्म चेयर फॉर्म, देन ट्विस्टेड बोट फॉर्म, देन बोट फॉर्म, इसके बाद की जो बात करें वो बचा कौन, हाफ चेयर। तो ध्यान रखेंगे हाफ चेयर क्या होता है, सबसे लेस स्टेबल होता है, क्लियर बात समझ में आती है? तो इस तरीके के आपके पास जो कॉन्सेप्ट आए हैं वो ये। तो क्या बात कर रहे थे अपन यहां पर, अपन यहां बात कर रहे थे बच्चों डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अगर डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो अपन ने यहां पर पढ़ा चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, बोट और हाफ चेयर। इन फॉर्म्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया तो अपन को यह समझ में आया कि इनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो रही है, कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि जब यहां पर हमने पोजीशंस की बात की, पोजीशंस का मतलब क्या हुआ, इक्विटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, दो पोजीशन की मैंने यहां पर बात की। इन दोनों पोजीशन में जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आते हैं तो उनकी वजह से रिपल्शन फैक्टर आता है। अब रिपल्शन फैक्टर कम आएगा तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर रिपल्शन फैक्टर ज्यादा आएगा तो कंपाउंड लेस स्टेबल होगा। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर ज्यादा पास होंगे तो रिपल्शन ज्यादा करेंगे। इसीलिए मैंने यहां जो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाया तो ये है आपका क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, चेयर फॉर्म, देन ट्विस्टेड बोट, देन हाफ चेयर। क्लियर बात समझ में आती है, तो नोट कर लें इसे। अब मैं आपको इसमें चेयर फॉर्म के बारे में और डीपली नॉलेज देने वाला हूं कि मेनली जो अपने पैटर्न में पूछा आता है वो चेयर फॉर्म पूछा आता है, और चेयर फॉर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उन्हीं चीजों को अपन यहां पर सीखेंगे, क्लियर। चलिए तो ये चीज आप नोट कर लें और ध्यान रखें स्टेबिलिटी ऑर्डर। बस एक ये पॉइंट जो है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा गया है तो हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सके, क्लियर। तो हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, चेयर फॉर्म, देन ट्विस्टेड बोट, देन बोट फॉर्म एंड देन चेयर फॉर्म। अगर मैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाना चाहूं तो भी मैं यहां पर बना सकता हूं। अगर यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाना चाहूं तो मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले अगर यहां स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, चेयर फॉर्म, देन कौन आएगा बच्चों जल्दी से बताओ, ट्विस्टेड बोट, देन कौन आएगा, बोट फॉर्म एंड देन हाफ चेयर, क्लियर। हाफ चेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। क्यों सबसे कम होगी, क्योंकि हमें पता है अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मुझे बताओ अगर चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, ट्विस्टेड बोट की थोड़ी सी ज्यादा, बोट की थोड़ी और ज्यादा, और फिर अगर बात करें हाफ चेयर की तो हाफ चेयर जितना ज्यादा स्टेबल होगा
उतनी ही कम पोटेंशियल एनर्जी, और जितना कम स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वैरी करते हुए हम कह सकते हैं कि वैरी करते हुए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के आने पर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, फॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इन फॉर्म्स को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्लियर। तो ये कर्व की बात हो गई, चलो कभी भी आए तो आप चेक कर सकते हो। आपको चेक करने का तरीका मैंने हमेशा बता रखा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है तो आप देख लो कि जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर साइक्लोहेक्सेन में एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि अभी अपन ने पढ़ा, एंड दैट इज कॉल्ड चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म कुछ किस तरीके से डिजाइन किया गया है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे कि चेयर फॉर्म डिजाइन सबसे पहले किस तरीके से किया गया है। अगर आप चेयर फॉर्म को बहुत ध्यान से देखें तो चेयर फॉर्म्स में जो ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जैसे अगर मैं इसे ए बोलूं, इसे बी बोलूं, इसे सी बोलूं, इसे डी, इसे ई और इसे एफ बोलूं, तो क्या मैं यहां पर प्रॉपर्टीज बता सकता हूं चेयर फॉर्म की? क्या प्रॉपर्टीज बता सकता हूं? ध्यान दें, जस्ट अपोजिट जो बॉन्डेड है, जस्ट अपोजिट जो बॉन्ड बने हुए हैं वो बच्चों पैरेलल है। ध्यान दें, सी के पैरेलल कौन दिख रहा है आपको? एफ दिख रहा है। बी के पैरेलल कौन दिख रहा है? ई दिख रहा है। और यहीं पर मैं अगर इसको इंडिकेशन पॉइंट से दूं तो डी के पैरेलल कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ए पैरेलल टू डी, बी पैरेलल टू ई एंड सी पैरेलल टू एफ। दीज आल प्रॉपर्टीज अबाउट चेयर फॉर्म। क्लियर बात समझ में आती है कि चेयर फॉर्म में हम कैसे बॉन्ड्स को पहचानते हैं? चेयर फॉर्म बनाने का सबसे इजी मेथड क्या है? सबसे इजी मेथड है, आपको क्या करना है, आपको दो पैरेलल लाइंस बनानी है। दो पैरेलल लाइंस के बाद आपको कुछ इस तरीके का फिगर ड्रॉ करना है और आपके पास चेयर फॉर्म प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर बात है, समझ में आ रही है? ठीक है भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी अपन ने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, तो बॉन्ड का मतलब कौन से बॉन्ड के बारे में अपन ने पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था बॉन्ड्स के बारे में, एक पढ़ा था एक्सियल बॉन्ड और एक पढ़ा था अपन ने इक्विटोरियल बॉन्ड। हमें पता है कि अगर मुझे एक्सियल बॉन्ड बनाना है तो एक्सियल को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? एक्सियल को डिनोट कर रहा हूं व्हाइट से, और इक्विटोरियल को किससे डिनोट कर रहा हूं? इक्विटोरियल को डिनोट कर रहा हूं येलो से। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर बॉन्ड बनाने जा रहा हूं और बहुत ईजी है बनाना, बहुत ईजी है बनाना। ध्यान दीजिएगा कैसे। मुझे पता है यहां सब जगह क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है। क्या है हर जगह? हाइड्रोजन की वैलेंसी है। एक्सियल बॉन्ड बनाना बहुत इजी है, देखिए कैसे। आपको पता है एक्सियल बॉन्ड हमेशा स्ट्रेट बनेगा, हमेशा कैसे बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। और यहां ट्रिक क्या काम आने वाली है? यहां ट्रिक काम आने वाली है अप डाउन। अगर एक अप होगा तो दूसरा डाउन होगा, ध्यान दीजिए। अगर एक अप होगा तो दूसरा डाउन होगा, कैसे? ध्यान दीजिएगा, एक अप है तो जस्ट बगल वाले पे इक्विटोरियल बॉन्ड स्ट्रेट होना है, तो स्ट्रेट में अप ना जाकर कहां जाएगा? डाउन जाएगा। एक अप है तो दूसरा डाउन है। इसी तरीके से अगर ये डाउन है तो ये डाउन नहीं होगा, ये क्या होगा? अप होगा। उसी तरीके से बताओ, अगर ये अप है तो जस्ट इसके बगल वाले कहां होंगे? डाउन पे होंगे। अगर ये डाउन है तो ये कहां पे होगा बच्चों? अप होगा। क्लियर बात समझ में आती है। यहां पर मैं क्या शो कर सकता हूं? यहां मैं हाइड्रोजन शो कर सकता हूं। क्या शो कर सकता हूं? यहां पर मैं हाइड्रोजन शो कर सकता हूं। तो आपको यह समझ में आया कि हम एक्सियल बॉन्ड कैसे बना रहे हैं? सिंपल लॉजिक है, अप एंड डाउन। कैसा लॉजिक है? अप एंड डाउन। अगर मेरे पास अगर कोई अप है, कोई बॉन्ड ऐसा है जो ऊपर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात, जस्ट कंजुगेटिव कार्बन पे बॉन्ड कहां होगा? डाउन पे होगा। तो बनाना बहुत इजी है, आप खुद से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए किस तरीके से। अगर एक बॉन्ड अप है तो बच्चों दूसरा कहां होगा? डाउन होगा। दूसरा डाउन है तो तीसरा कहां होगा? अप होगा। फिर डाउन और फिर अप, तो सीधे अप डाउन अप
डाउन अप, सिंपल हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इक्विटोरियल बॉन्ड, देखिए कैसे इक्विटोरियल बॉन्ड हमेशा बेंट होकर बनेगा, हमेशा बेंट होगा। देखिए कैसे, अगर एक्सियल अप है तो ऑब्वियसली बात है इक्विटोरियल कहां होगा, डाउन होगा। तो अब ध्यान दीजिए स्टोरी शुरू हो चुकी है, अगर ये डाउन है तो ये कहां होगा, अप होगा। अगर ये अप है तो ये कहां होगा, डाउन होगा। अगर ये डाउन है तो ये कहां होगा, अप होगा। फिर से ये अप हो गया तो ये कहां होगा, डाउन होगा। तो क्या मुझे ये समझ में आया, यहां पर एक्सियल और एक बनेगा, कौन सा, ये डाउन वाला, क्योंकि ये अप है तो ये डाउन होगा। ठीक है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, ये रह गया था। तो बताइए इक्विटोरियल के बाद अगर ये डाउन है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा अप, तो यहां अप बना दिया मैंने। ये सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो किस तरीके से हमने इस फिगर से H और H को समझते हुए ये फॉर्म तैयार की, यही फॉर्म है एग्जैक्टली चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म की रियल फॉर्म क्या होती है, यही होती है विद एक्सियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए अगर मुझे कहा जाता कि यहां पर ग्रुप्स लगे हुए हैं, मैथिल ग्रुप है, यहां पर भी मैथिल ग्रुप है, और मुझसे कहा जाता कि इसकी चेयर फॉर्म बनाएं, कोई भी आप इसकी चेयर फॉर्म बनाएं। ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। मैं इसमें सिखा रहा था नंबरिंग क्या थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी आपसे कुछ भी पूछा गया, सिर्फ पूछा गया है कन्वर्टेड इनटू चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बताइए मैंने क्या करना है, क्या यहां पर एच एच थे, अब क्या है, एच और मैथिल है, यहां क्या है, एच और एच है, यहां क्या है, एच और मैथिल है, यहां क्या है, एच और एच है, और यहां क्या है, एच और एच है। सिंपल फिगर बन गया। क्या बनाना है अब आपको, अब आपको बनाना है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म बनाना बहुत इजी है, 6 कार्बन की चेयर फॉर्म बनाना बहुत इजी है। देखिए कैसे, क्या ये आपके पास चेयर फॉर्म बन चुकी है। चेयर फॉर्म में बताओ मैथिल ग्रुप कहां कहां है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप इस मैथिल ग्रुप को कहीं भी लगा सकते हैं, एक्सियल पे भी लगा सकते हैं, इक्विटोरियल पे भी लगा सकते हैं। अब एक्सियल और इक्विटोरियल पे लगाने पर ऑब्वियसली बात है अगर पोजीशन डिफरेंट होगी तो रिपल्सन फैक्टर डिफरेंट होंगे और स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होगी। तो ध्यान क्या देना है आपको, जब मेरे पास नॉर्मल फॉर्म था तब मैंने कैसे चेयर फॉर्म को बनाया एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड को लेते हुए, अब मेरे पास ये कंपाउंड है और इसे मुझे चेंज करना है चेयर फॉर्म में। तो बताओ अगर मैं दोनों मैथिल ग्रुप को एक्सियल पे रखूं तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड को बना लूं तो क्या कुछ इस तरीके से होंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। तो क्या आपको यहां पर एक्सियल बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत आई, बताइए। इसी तरीके से इक्विटोरियल बॉन्ड, नीचे ऊपर, ऊपर है तो नीचे होगा, नीचे है तो ऊपर होगा, ऊपर है तो नीचे होगा, और नीचे है तो ऊपर होगा, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं ये सारे के सारे। अब हमें क्या करना है, मैथिल ग्रुप को लगाना है, किस पोजीशन पे, 1 और 3 पे, तो कहीं पर भी आप लगा दो, मैथिल और 3 पे भी मैथिल, जरूरी नहीं है आप एक्सियल पे ही लगाओ, इक्विटोरियल पे भी लगा सकते हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। बाकी बचे पर क्या लगेंगे, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्या सिंपल से मैंने बना दिया कि कैसे हम किसी भी फॉर्म को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ये चीजें हमने यहां पर सीख ली। चलिए ये चीजें नोट करिए जरा, इसके बाद मैं आपको कहानी और अच्छी बताता हूं। तो आपको समझ में आया कि कभी भी कोई नॉर्मल कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन में अगर है तो हम उसे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड। सिंपल, तरीका क्या ध्यान रखना है, तरीका ध्यान रखना है आपको अप एंड डाउन का, अप डाउन
अप डाउन, सिंपल यही तरीका है, इससे इजी तरीका कुछ भी नहीं है। देखिए अब मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड देखिए कैसे। यहां पर अगर कभी भी पूछा जाए आपसे कि बताओ एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड में पोजीशन जो होती है वो इक्विटोरियल पोजीशन स्टेबल पोजीशन होती है। कैसी होती है? स्टेबल पोजीशन होती है। और हमेशा स्टेबल पोजीशन पे कौन सा ग्रुप रखोगे? हमेशा स्टेबल कंडीशन पे आप रखोगे बल्की ग्रुप को, क्योंकि बल्की ग्रुप जितना स्टेबल पोजीशन पे होगा उतना ही कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। तो आपको हमेशा इक्विटोरियल बॉन्ड पे क्या रखना है? बल्की ग्रुप को रखना है। जैसे यही क्वेश्चन था, अब इसी क्वेश्चन में मुझसे कहा जाता कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर। ये सारे के सारे क्या है? कंफॉर्मर ही है। मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर ऑफ 1.3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया कि जिस तरीके से हमने यहां पर रैंडमली मैथिल ग्रुप को एक्सियल पे लगाया, यहां रैंडमली एक्सियल ग्रुप को कहां लगाया? इक्विटोरियल पे लगाया। तो मुझे बताइए कि अगर मेरे पास कभी भी मोस्ट स्टेबल की बात आए तो हमेशा ध्यान रखने का कि बल्की ग्रुप को हमेशा कहां लगाओगे? इक्विटोरियल पोजीशन पे ही लगाओगे। बल्की ग्रुप कहां कहां? क्या ये मैथिल बल्की है और ये भी मैथिल बल्की है? अब जब मैं चेयर फॉर्म बना रहा हूं तो चेयर फॉर्म में जब मुझे एक्सियल बॉन्ड बनाने हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी एक्सियल और इक्विटोरियल की। नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और ये ऊपर, तो अप डाउन की कहानी है, अप डाउन की कहानी है। अब बताइए मैथिल और मैथिल कहां लगाएंगे? क्या बल्की ग्रुप को आपको इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाना है और ये है 1.3 पोजीशन, तो 1.3 पोजीशन मतलब 1.2.3। आप यहां पर भी मैथिल को इक्विटोरियल पे रख दीजिए और यहां पर भी इक्विटोरियल पे ही रख दीजिए। दिस इज योर मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर ऑफ 1.3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। दिस इज योर फाइनल एंड मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर। क्लियर है? चलिए अब मान लीजिए यहीं पर मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता मुझसे दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता था कि यहां पर आपको बताना है 1-methyl या मैथिल साइक्लोहेक्सेन भी हम लिख सकते हैं, मैथिल साइक्लोहेक्सेन भी हम यहां पर लिख सकते थे। मैथिल साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये ग्रुप। अब बताइए इसे अगर मुझे मोस्ट स्टेबल फॉर्म ड्रॉ करना है या मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर ड्रॉ करना है, किसमें? इन चेयर फॉर्म, इन चेयर फॉर्म। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक चेयर फॉर्म बनाएंगे। चेयर फॉर्म बनाने के बाद आपको कौन से बॉन्ड बनाने हैं? आपको एक्सियल बॉन्ड बनाने हैं और इक्विटोरियल बनाने हैं। एक्सियल को मैं हमेशा एक्सिस के अराउंड मतलब स्ट्रेट रखूंगा। तरीका क्या है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एक्सियल पोजीशन बन गई, इक्विटोरियल डाउन अप डाउन अप डाउन अप। क्या ये इक्विटोरियल पोजीशन बन गई? अब बताइए वन पोजीशन मैं किसी को भी दे सकता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस मैथिल ग्रुप पे अगर मैं बात करूं तो मैथिल को मैं कहां रखना चाहूंगा जिससे मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर बने, एक्सियल पे या इक्विटोरियल पे? तो आपका जवाब होगा इक्विटोरियल बॉन्ड, क्योंकि इक्विटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं? डायरेक्शन के अपोजिट पाए जाते हैं, जिससे रिपल्शन फैक्टर हमेशा क्या होता है? कम होता है। बताओ बाकी सब जगह क्या लगेगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन।
जैसा बना हुआ है वैसा ही मैं बना सकता हूँ। क्लियर बात समझ में आती है? तो बताओ मुझे, अगर मेरे पास इस तरीके के ग्रुप बन जाए तो क्या मैं अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में क्या मैं मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ड्रॉ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपको मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से हम यहां पर चेयर फॉर्म के मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आने लग गई होगी? ठीक है भाई, अब आप ध्यान दो जरा चीजों को, और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहां पर नोट कर लीजिए इसे। तो हमने यहां पर देखा कि कैसे बॉन्ड्स के डिपेंडेंट पे यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर डिपेंड कर रहा था। मतलब क्या था बच्चों? मतलब यह था कि अगर मैं किसी भी कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स अटैच है, अगर मैं उन्हें एक्सियल पोजीशन पे शिफ्ट करता हूं, तो एक्सियल पोजीशन से ज्यादा स्टेबल वाली कौन सी पोजीशन होती है बच्चों? इक्विटोरियल पोजीशन। तो इसीलिए मुझे किसी भी बल्कि ग्रुप को कहां अटैच करना है? इक्विटोरियल पोजीशन पे अटैच करना है। क्लियर? अब मैं यहां पर आपको कुछ और फॉर्म्स बताने वाला हूं। जैसे अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ा था सिस फॉर्म ऑफ 1,2 मैथिल ग्रुप और ट्रांसफॉर्म ऑफ 1,2 मैथिल ग्रुप। ठीक, ट्रांसफॉर्म ऑफ 1,2 मैथिल ग्रुप और सिस फॉर्म ऑफ 1,2 मैथिल ग्रुप। अगर मुझे इसे ड्रॉ करना होता कि यहां पर सिस कन्फॉर्मर कौन है और ट्रांस कन्फॉर्मर कौन है, तब मुझे चेयर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, जरा देखिए। यही एक चीज है जो मुझे सिखानी है आपको, चेयर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीजें हमें यहां पर सीखनी है। देखिए कैसे, आपको कुछ कहानी ऐसी देखनी है, मैं आपको सिखाता हूं। आपको देखने का तरीका ऐसे सोचिए कि ये भी ऊपर है प्लेन के और ये भी कहां है? प्लेन के ऊपर है। क्लियर? ये कहां है? प्लेन के ऊपर है और ये कहां है? प्लेन के नीचे। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ऊपर 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 और नीचे। क्लियर है? बहुत इजीली समझ में आ रहा है। देखिए चेयर फॉर्म, मुझे पता है 1,2 पोजीशन है, 1,2 पोजीशन पे अगर मुझे सिस फॉर्म बनाना है तो मैं सिस फॉर्म में क्या क्या फॉर्म बना सकता हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए 1,2 पोजीशन ये है, तो मुझे जो बॉन्ड्स रखने हैं वो किस तरीके से रखने हैं? सबसे पहले आपको एक्सियल इक्विटोरियल बना लेने, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक्सियल बॉन्ड बन गए, इक्विटोरियल नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इक्विटोरियल बन गए। आपको बनाना है 1,2 पोजीशन पे मैथिल ग्रुप, आप कहां पर मैथिल ग्रुप लगाओगे, यही टास्क है, यही समझना है। तो सोचो सिस फॉर्म में ऊपर है और ऊपर है, इसका मतलब या तो मैं इसे यहां लगा सकता हूं ऊपर और ऊपर, या फिर अगर मैं इसका दूसरा फिगर बनाऊं, या फिर मैं इसे 1,2 पोजीशन पे नीचे और नीचे भी बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं ऐसा? क्योंकि सोचिए क्या जरूरी है यही फॉर्म हो सिस फॉर्म, इसकी सिस फॉर्म ये भी तो हो सकती है, ये भी तो सिस फॉर्म ही है। उसी तरीके से यहां पर भी सिस फॉर्म ये भी तो हो सकती थी, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि सिस फॉर्म ये भी हो सकती है और ट्रांसफॉर्म ये भी हो सकती है। तो अगर चेयर फॉर्म में आपको इस तरीके से दिया हो मैथिल ग्रुप और मैथिल ग्रुप यहां पर लगा दे, तब भी क्या है ये सिस फॉर्म ही है। अगर वो मैथिल ग्रुप कहीं और भी लगाता है तब भी वो क्या होंगे? सिस फॉर्म होंगे। जरूरी बात क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जरूरी बात है ये पोजीशन, अगर सिस फॉर्म में दोनों सेम साइड होते हैं तो सेम साइड को ऐसे मत समझिए सेम साइड, नहीं, उसको समझने का तरीका क्या है? ऊपर ऊपर मतलब सेम साइड, या फिर नीचे नीचे मतलब सेम साइड। तो मैथिल ग्रुप कहां रख सकता हूं? यहां। बाकी जगह क्या आएगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इस तरीके से ये क्या बन गए? ये भी एक सिस फॉर्म बन गया और ये भी एक सिस फॉर्म बन गया। क्लियर बात समझ में आने लगी आपको? अगर सोचिए मुझे ट्रांसफॉर्म बनाना होता तब मैं मैथिल मैथिल को कहां रखता? ऊपर। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं चेयर फॉर्म को ड्रॉ करता, अब इजीली समझ में आ गया होगा, एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड बनाता मैं सारे के सारे, आपको बनाना भी मैंने सिखा दिया है। यहां पर नीचे है तो ये ऊपर होगा, ऊपर है तो ये नीचे होगा। क्लियर बात समझ में आती है?
नीचे। तो इस तरीके से हम यहां पर इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अब बात आई कि ट्रांसफॉर्म बनाना है। अब ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए मुझे पता है अगर एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा, एक ऊपर होगा तो दूसरा कहां होगा, नीचे होगा, एक ऊपर होगा तो दूसरा कहां होगा, नीचे होगा। या फिर इसी का ट्रांसफॉर्म और क्या बन सकता है, इसी का ट्रांसफॉर्म और क्या बन सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएंगी स्टोरी, क्योंकि स्टोरी ही समझनी है हमें। इसका दूसरा फॉर्म हो सकता था नीचे ऊपर, क्या यह भी तो इसका ट्रांसफॉर्म ही है? तो चाहे आप उस फॉर्म को देखो या इस फॉर्म को देखो, दोनों ही क्या है बच्चों, दोनों ही ट्रांसफॉर्म है, दोनों ही क्या है, ट्रांसफॉर्म। अब बताओ सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है या ट्रांसफॉर्म? तो आपका जवाब होगा ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। अब जरा आप चेयर फॉर्म में चलो, सिस फॉर्म में कोई भी एक मैथिल इक्विटोरियल पे आएगा, चाहे ये इसमें हो चाहे ये इसमें हो, लेकिन कोई एक मैथिल ही इक्विटोरियल पे आएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म में अगर मैं मैथिल मैथिल को लगाऊं तो बच्चों एक ऐसा कंफॉर्मर मेरे पास प्रेजेंट है जहां मैथिल और मैथिल ग्रुप कहां आएंगे, इक्विटोरियल पे आएंगे, दोनों के दोनों इक्विटोरियल पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या स्टेबल फॉर्म ट्रांस होगी? और दिख रहा है क्यों होगी, क्योंकि अपन ने फंडे में बताया कि कभी भी अगर स्टेबल फॉर्म बनाना है तो आपको हमेशा बल्की ग्रुप को कहां रखना होगा, बल्की ग्रुप को आपको रखना होगा इक्विटोरियल पोजीशन। क्या समझ में आती है सारी बातें? तो इस तरीके से हमने यहां पर सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया, और आई थिंक मेरे को लग रहा है समझ में आ गई होंगी सारी बातें कि कैसे सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को हम यहां बनाते हैं। सिंपल तरीका है, आपको अपनाना क्या है, आपको सिर्फ सिंपल तरीके से अपनाना है, क्या आपको ध्यान रखना है, अगर ऊपर ऊपर है तो इसी तरीके से आप ऊपर ऊपर लगा दें, ऊपर ऊपर, या फिर नीचे नीचे लगाना है, ये भी सिस फॉर्म है तो आप नीचे नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बॉन्ड को सेलेक्ट करें, आपसे गलती कभी नहीं होगी। तो क्या आप तरीका सीख गए? इतना इजी तरीका है, इतना अच्छे से मैंने आपको यह तरीका बताया कि आई थिंक मेरे ख्याल से यह गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई आपको सारी चीजें? तो इस तरीके से अपन यहां पर चीजों को कवर कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ गई होगी? तो यहां पर हमने जो कन्फॉर्मर पढ़े, डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन के, पहले चेयर फॉर्म पढ़ लिया था, फिर ट्विस्टेड बोर्ड, फिर बोर्ड, फिर हाफ चेयर, फिर अपन ने एक स्पेसिफिक फॉर्म पढ़ा जो कि हमारे एग्जाम में काफी पूछा जाता है, एंड दैट इज चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में कैसे एक्सियल, कैसे इक्विटोरियल बॉन्ड को हम बताते हैं, ये भी हम यहां सीख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दिया होता है कि विच कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंपाउंड, ऐसे फॉर्म दिए होंगे, तो आपको देखना है ट्रांसफॉर्म है, इसका मतलब एक ऊपर होगा तो बगल वाले पे मैथिल नीचे होगा, आप चेक कर सकते हो। क्या ये कभी ट्रांसफॉर्म हो सकता है? क्योंकि नीचे नीचे है, इसका मतलब सेम साइड है, इसका मतलब सिस हो सकता है, ऊपर ऊपर, इसका मतलब सिस हो सकता है, ऊपर नीचे या नीचे ऊपर, ये क्या है, अपोजिट है, इसका मतलब ये क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म, नीचे है ऊपर है, ये क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म। तो इस तरीके से हम सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को चेयर फॉर्म में कैसे देख सकते हैं, ये हमने सीख लिया। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरीके से आगे भी अपन पढ़ते रहेंगे सारी बातों को। तो चलो अपन फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।